واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا واللذان ياتيانها منكم فاذوهما فَإِن إِنَّ اللَّهَ كَانَ मुसलमानों तुम्हारी औरतों में जो बदकारी का इरतकब कर बैठे उन पर अपने लोगों में से चार, चार शख्सों की शहादत अगर वो उनकी बदकारी की गवाही दें, तो उन औरतों को घरों में बंद रखो यहाँ तक कि मौत उनका काम तमाम कर दे या अल्लाह उनके लिए कोई और शबील पैदा करे और जो दो मर्द तुम में से बदकारी करें तो उनको इजादो, फिर अगर वो तौबा कर लें और नेकुकार हो जाएं तो उनका पीछा छोड़ दो। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। इन्नमत तौबतुम اللّه لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ أَبِي جَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبه للذين يعملون السيئات لهم عذابا أليما अल्लाह इन लोगों की तोबा कबूल फरमाता है जो नादानी से बुरी हरकत कर बैठते हैं फिर जल्द तोबा कर लेते हैं बस ऐसे लोगों पर अल्लाह तवज्जो करता है और वो, वो सब, सब कुछ जानने वाला है वाला है, वाला है। और ऐसे लोगों, लोगों की तो कबूल नहीं होती जो सारी उम्र बुरे काम करते रहें यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत मौजूद हो तो उस वक्त कहने लगे कि अब मैं तौबा करता हूं और ना उनकी तौबा कबूल होती है जो कुफर की हालत में मरें ऐसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن خنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. इस नीयत से कि जो कुछ तुमने उनको दिया है उसमें से कुछ ले लो उन्हें घरों में मत रोक रखना हाँ अगर वो खुले तौर पर बदकारी की मुरतकब हो तो और बात है और उनके साथ अच्छी तरह से रहो सहो फिर अगर वो तुमको ना पसंद हो तो अजब नहीं कि तुम किसी चीज को ना पसंद करो और अल्लाह उसमें बहुत सी भलाई पैदा कर दे और अगर तुम एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत करनी चाहो तो पहली औरत को ढेर सा माल दे चुके हो तो उसमें से कुछ मत लेना भला तुम बहुतान लगाकर और खुला गुनाह करके अपना माल उससे वापस ले लोगे وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقتا वसा वसा और तुम तो दिया हुआ माल क्यों कर वापस ले सकते हो जब तुम एक दूसरे के साथ सोहबत कर चुके हो और वो तुमसे पुख्ता आहद भी ले चुकी हैं और जिन औरतों तुम से तुम्हारे बाप दादा ने निकाह किया हो उनसे निकाह न करना मगर जाहलीत में जो हो चुका सो हो चुका ये नहायत बेहयाई और अल्लाह की नाखुशी की बात है और, और बहुत, बहुत बुरा दस्तूर, दस्तूर है